भैया ये कूड़ा ढेर पड़ा होता है, लोग बार मानते नहीं है, कूड़ा डाल जाते हैं फिर उठाने वाले आते नहीं है, और पानी भी भर जाता है गली में, सड़क पे तो आप देखते ही हो खूब खूब पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल के लिए रहते हैं। यही है कि ये काम कुछ नहीं होता। देखो नालियाँ देखो कितनी गंदगी है, हैं पानी भर जाता है पूरा पूरा, बच्चे परेशान, औरतें परेशान, ऑफिस वाले परेशान। अरे पानी यहाँ तक कितना आता, पानी यहाँ तक पानी लग जाता है। हाँ पानी यहाँ तक आ जाता है। तो विधायक साहब ने कुछ काम किया है? वो जब ही केजरीवाल करवा तब से कुछ नहीं हुआ बाद। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस फ्री चला रहा है तो हमारा ही माल हमें ही दे रहा। अगर बस का किराया नहीं लेगा फिर भी हम तो जाएंगे। अच्छा भाई, किराया जाएगा तो भी बस में बैठेंगे। और फ्री का तो फायदा मिल रहा है ना, क्यों फायदा ले रहा है? हम तो क्या काम हुआ, देख लो रोड बना है, रोड देखो ना बना है, अभी 4 महीना भी नहीं बीता है, यही तो बना है रोड। और क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है भैया। हाँ भैया देख पानी भर रहे हैं, करो कई साल में ये काम कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हैं, कहा कर रहे हैं कुछ भी ना कर रहे। अच्छा, कुछ भी काम किया उन्होंने? बेटा काम में कोई कमी तो नजर आ रही है आपको? हमारी नजर में तो काम नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं कोई कमी, रोड नहीं बनी है, नाली की समस्या, ये सब तो समस्या है ना। अब बउआ नाली की समस्या सफाई कर्मचारी करेंगे कि वो दिनेश मोनिया थोड़ी करेंगे? आम आदमी पार्टी ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है? हाँ काम किया, अगले साल चुनाव क्या किया है? बहुत किया, पानी लाइट वोट सब दिया। अच्छा, दिनेश मोनिया जी ने कैसा काम किया? सही, लोगों का कहना है कि काम नहीं हुआ है आपके एरिया? नहीं नहीं काम किया। कहा हुआ, यहाँ पे सब कूड़ा रहता है भाई, इधर पानी सब भरा रहता है जब बारिश होती है तो। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ? क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको सबको ठीक कराना चाहिए। और उधर से जब पानी, उधर से पीपल की तरफ से पानी आता है इधर, तो इधर आदमी निकल नहीं सकता, उसको भी ठीक कराए। बारिश होता है पूरा डूब जाती है। अच्छा, सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं, NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है गली नंबर 8 में, दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी पर बात कर रहे हैं कि चुनाव अगले साल है, उससे पहले कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है, इस पर बात कर रहे हैं। किस तरह देख रही हैं, क्या सबसे बड़ी समस्या संगम विहार की क्या है? भैया ये कूड़ा ढेर पड़ा होता है, लोग बार मानते नहीं है, कूड़ा डाल जाते हैं फिर उठाने वाले आते नहीं है। अच्छा। और पानी भी भर जाता है गली में, सड़क पर तो आप देखते ही हो खूब खूब पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल के लिए रहते हैं। यही है कि ये काम कुछ नहीं होता, जितना करा दिया फिर रोक हो जाती है, कुछ नहीं मतलब, बस वोट के टाइम पे आ जाते हैं हाथ जोड़ के। अच्छा, तो विधायक साहब ने काम नहीं किया है? नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो 10 साल में कितनी बार आए हैं इधर क्षेत्र में? कभी तो दिखे होंगे ना? भाई मैंने देखे नहीं है। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा? हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत है यहाँ के लोगों? बस यही है, गंदगी बहुत है भाई, नाली देखो आप, नालियाँ देखो कितनी भर रही है, सड़कें खोद देते हैं फिर वह सही नहीं होती सड़कें। अच्छा, यही दिक्कत है सारी संगम विहार में, और क्या दिक्कत है? जीत में सब तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि भाई ये वोट दे दो, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, फिर कोई कराता नहीं है काम के टाइम कोई। और क्या, बस थोड़ा सा कराया फिर खत्म। अब देखो वो गली देखो बनने को गए, वो नहीं बनाई ये गली जो आप बता रही है। हाँ, ये रह गई, कोई मतलब ही नहीं है। कब से ये तो गली है, गली एक बार दिखाना जरा, कौन सी गली है? तो देख आप गलियों की स्थिति देख सकते हैं कि आप नाली कितनी कहाँ होती है, आप देखो ना कितनी गंदगी है, देखो नालियाँ देखो कितनी गंदगी है, हैं पानी भर जाता है पूरा पूरा, बच्चे परेशान, औरतें परेशान, ऑफिस वाले परेशान। तो ये बारिश के दिनों में ऐसी स्थिति होती है? हाँ, बारिशों के दिनों में होती है, और पैसा तो कूड़ा भरा ही रहता है यहाँ पे, कूड़े की तो गाड़ी कहोगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, सड़ती है, सड़ता ही रहेगा। तो आप लोगों ने 10 करेंगे तब आएगी। अच्छा, तो 10 सालों में आप लोगों ने वोट दिया, वो किस आधार पे वोट? हम तो बीजेपी को देते हैं भाई। अच्छा, ये तो फ्री बस और बिजली तो केजरीवाल जी दे रहे हैं। तो केजरीवाल दे रहा है, वो। अच्छा, कि लोगों का कहना है कि विधायक साहब ने काम नहीं किया। किसका कहना है? आप जिस रोड पे खड़े हो ये कच्चा रोड है? अच्छा, नहीं टूटी हुई तो है ना, नालियां जाम है, कान जाम है, देखो नाली, ये देखो चल रहा है पानी। बारिश होती थी इस रोड पे तो चार दिन पांच दिन पानी नहीं निकलता था। ठीक है, आज बारिश होगी, अभी 2 घंटे में आप 2 से 3 घंटे बाद आना, रोड पे पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल। समस्या सबसे ज्यादा पानी की है, रास्ता निकलने की सबसे ज्यादा पानी, बचते कीचड़ होता जा अंदर। हाँ जी, ये लाट ने 4-5 महीना हो जब से केजरीवाल जेल गए, ये लाट भी नहीं सही हो रही है। भाई सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है यहीं पे, कौन भाई सब कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। पानी यहाँ तक कितना आता, पानी यहाँ तक पानी लग जाता है? हाँ पानी यहाँ तक आ जाता है। तो विधायक साहब ने कुछ काम किया है?
वो जब ही केजरीवाल करवा तब से कुछ नहीं हुआ बाद में। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, और क्या दिक्कत है आपको? और बिजली बिल इतना आने लगा है, अब दो मंजिल के सामने 5,000 रुपये बिल आया। अच्छा, बोलते हैं वहाँ से बोला शिकायत करिए तो कह रहे वो तो आने लगा इतना ही आएगा। अच्छा, अब जब 2 से जाते 5 से जाते 5,000 आने लगा, बताओ क्या करना चाहिए। उनसे जाते वो मानते नहीं, कहते कि इतनी आएगा। अच्छा, हाँ है, कहाँ माफ है, बिल माफ है। पहले उनके ही था, उनके ही काम हुआ, उसके अब वो काम नहीं कर रहे, अब नहीं कुछ काम हो रहा। हम बता रही हूँ बस फ्री चला रहा है तो हमारा ही माल हमें ही दे रहा, अगर बस का किराया नहीं लेगा फिर भी हम तो जाएंगे। अच्छा भाई, किराया जाएगा तो भी बस में बैठेंगे। और नहीं का तो फायदा मिल रहा है ना, क्यों फायदा ले रहा है? हम तो नहीं दे, कह रहे कि फ्री चला तू। अच्छा, टिकट लगा? हाँ। भाई तेरे ही घर में तो पर्दे लग रहे हैं, हमारे घर तो नहीं लग रहे ना। एक एक पर्दे लगे हैं और क्या, हमारे को तो ही नहीं दे रहा। अच्छा, रोड देखो ने बना है, अभी 4 महीना भी नहीं बीता है, यही तो बना है रोड। और क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है भैया, न्यूज लेने से थोड़ा दिक्कत नहीं हो, सुधार होता है, अपना नजर से सुधार होता है। अच्छा, जब नजर नहीं तो फिर न्यूज लेने से। विधायक साहब ने कुछ काम किया है? हमारे कहने से थोड़े वो कर देंगे, जब उनको इच्छा रहेगा तभी होता है। तो उनकी इच्छा में आप वोट देती हो ना? वोट से क्या होगा? हाँ भैया, देख पानी भर रहे हैं, करे कई साल में ये काम कर रहे हो, कुछ ना करे हैं, कहा कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ भी ना हुए भैया, 5-7 साल में कर रहे हो यही करता। अच्छा, और आगे वो भी ना खोदे पानी निकलने को। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है यार? अरे पानी की है कि पानी मकान में जा रहा हो सारा भैया। हाँ, ना वहाँ एम चल खोदे, चम्मल भी ना खोदे वहाँ आगे। हाँ भैया, ये जीतू ने बनवाया बड़ी मुश्किल से 5-6 साल में। अच्छा, हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अगले साल चुनाव है, किस तरह देख रहे हो, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में देखेंगे, काम के हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या चीज़। ये नाली की समस्या, ये सब तो समस्या है ना। अब बउआ नाली की समस्या, सफाई कर्मचारी करेंगे कि वो दिनेश मोनिया थोड़ी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आपके अकॉर्डिंग काम किया है? हाँ, काम किया है। काम अच्छा, बहुत किया, पानी लाइट वोट सब दिया। अच्छा, दिनेश मोनिया जी ने कैसा काम किया? सही लोगों किया। का कहना है कि काम नहीं हुआ है आपके एरिया? नहीं नहीं, काम किया है जो। अच्छा, क्या ऐसा काम हुआ है जिससे लोगों की नाराजगी? पहले पानी आ गया, लाइट आ गया, रोड बन गया, अब का चाहिए हमें? नहीं, लोगों का कहना है कि पानी भर जा रहा है, सड़कें खराब है, हर गलियों में सड़कें टूटी हुई है। वो इतना तो चलता है यार। अच्छा, इतना तो हर जगह चलता भाई। काम हुआ है? आप यहीं रहते हो, कुछ काम हुआ है? काम बहुत है भैया, अभी काम बहुत है। काम क्या हुआ, यहाँ पानी भर जाता है। अच्छा, ये सब पानी भर जाता है, यहाँ कूड़ा हो जाता है। हाँ, काम का हुआ, यहाँ पे सब कूड़ा रहता है भाई, इधर पानी सब भरा रहता है जब बारिश होती है तो। कुछ भी काम नहीं हुआ? क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको सबको ठीक कराना चाहिए। हाँ। और उधर से जब पानी, हाँ, उधर से पीपल की तरफ से पानी आता है इधर। हाँ। तो इधर आदमी निकल नहीं सकता, उसको भी ठीक कराएं। अच्छा, दिनेश मोनिया जी ने कुछ भी काम नहीं किया? अब क्या 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 हाँ। किया है, थोड़ा रास्ता ठीक किया है। अब आपसे, आप यहीं रहते हो? हाँ। यहाँ के जो कुछ काम हुआ है? दिक्कत क्या है लोगों? दिक्कत पानी का, दिक्कत है। सोनिया बिहार का जो पानी है ना, प्रेशर से आते नहीं है। अच्छा, प्रेशर से आते नहीं है। अच्छा। आप सुना कि लोगों का साफ कहना है कि संगम विहार और गली नंबर 8 में अभी विकास उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। महिलाओं की तमाम समस्याएं हैं जिन पर केजरीवाल और यहाँ के जो विधायक है दिनेश मोहनिया जी, उनको काम करना पड़ेगा, तभी अगले साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है। आप हमारे चैनल NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।